ये है दिल्ली दर्पण। अपना इलाज उन डॉक्टरों से कराएं जिनको वो सर्जरी कराने की परमिशन दे रहे हैं, आयुर्वेद डॉक्टर को। पिछले काफी समय से मिक्सियोपैथी का विरोध कर रहे डॉक्टर्स अब सरकार से इस मुद्दे पर आर पार की लड़ाई पर उतर आए हैं। 2 फरवरी को भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने देश भर में प्रदर्शन कर सरकार को आगाह किया कि वो एलोपैथी में आयुर्वेद और होम्योपैथ को अतिक्रमण करने की अनुमति ना दे। देश की राजधानी दिल्ली में भी डॉक्टर्स इस मुद्दे को लेकर भूख हड़ताल पर रहे। दिल्ली के अशोक विहार सेंट्रल मार्केट में डॉक्टर नरेश चावला के संयोजन में दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के साथ प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में पहुंचे डॉक्टर्स ने सरकार से सवाल किया है कि सालों के अनुभव के बाद सर्जरी का हुनर सीखने वाले डॉक्टर्स का विकल्प 6 महीना का डिप्लोमा लेने वाले दूसरे डॉक्टर्स कैसे हो सकते हैं। इन डॉक्टर्स का कहना है कि वो किसी पद्धति का विरोध नहीं कर रहे, बल्कि मांग कर रहे हैं कि अलग पद्धतियों में ही इलाज की व्यवस्था पहले जैसी रहे। तो 3 किस्म की पैथीज होती हैं। एक मॉडर्न मेडिकल सिस्टम जिसके साथ MBBS, MD और DMs बनते हैं, MCH बनते हैं, और दूसरा होता है आयुर्वेदा, और तीसरा होता है होम्योपैथी। हमारा प्रोटेस्ट सिर्फ इतना है कि गवर्नमेंट का एक ICCIM जो कि आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की काउंसिल है, उन्होंने आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को सर्जरी करने के लिए 58 किस्म की सर्जरी करने के लिए अलाउ किया है। तो हमारा प्रोटेस्ट है जिस किस्म की ट्रेनिंग आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को दी जाती है उसमें सर्जरी ज़्यादा नहीं आती है। तो जो सर्जरी एलोपैथिक डॉक्टर्स या मॉडर्न मेडिकल सिस्टम के डॉक्टर्स ऑलमोस्ट 10-12 साल की ट्रेनिंग के बाद सक्षम हो पाते हैं और इंडिपेंडेंटली कर पाते हैं, वो गवर्नमेंट का कहना है कि 6 महीने या 1 साल की ट्रेनिंग दे दी जाए इन लोगों को। और वो कहते हैं कि गाँवों में डॉक्टर नहीं जाते हैं, तो इसलिए इनको ऐसी ट्रेनिंग दी जाए कि ये सर्जरी कर सकें। हमारा प्रोटेस्ट, हमारी कोई आयुर्वेदा से लड़ाई नहीं है। आयुर्वेदा एक हिंदुस्तान का अपना इंडिजिनस ट्रेडिशनल पुराना सिस्टम है जिनका एक अलग किस्म की सोच है, वो अलग किस्म का एक अच्छा मेथड है। वो अपने सिस्टम में रिसर्च करें, और एक जो गवर्नमेंट से हमारी एक ही गुजारिश है कि तीनों सिस्टम्स को अलग अलग चलने दो प्योर फॉर्म में। आप जिस भी पद्धति में काम करते हैं उस पद्धति में आप काम करते रहें, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे हर एक आदमी अपना डिफरेंट काम करता है और घर तभी चलता है, एक आदमी कुछ करता है, एक आदमी कुछ करता है, उसी प्रकार से हमारी कंट्री में मेडिसिन के लिए जो आदमी होम्योपैथिक है, जो आदमी एलोपैथिक है, जो आदमी आयुर्वेदिक है, वो अपनी अपनी प्रोफेशन में अपना अपना काम करें, अपनी अपनी ऊंचाइयां अटेन करें। उसमें ज़्यादा अच्छा है बनस्पत की खिचड़ी पकाना। आप किसी आदमी को थोड़ी सी कोई चीज़ सिखा दीजिए और फिर सोचिए कि वो नंबर 1 बन जाएगा, वो नहीं हो सकता। गौरतलब है कि सरकार ने आयुर्वेद जैसी चिकित्सा पद्धति में काम कर रहे डॉक्टर्स को भी डिप्लोमा करने पर सर्जरी करने की छूट दी है। एलोपैथी के डॉक्टर्स की शीर्ष संस्था ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन इसका विरोध कर रही है। IMA ने इसके विरोध में 1 फरवरी 2021 से 15 फरवरी तक भूख हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। दिल्ली के अशोक विहार सेंट्रल मार्केट में भी डॉक्टर्स भूख हड़ताल पर रहे और लोगों को भी जागरूक किया। इस प्रदर्शन में IMM और DMA के बड़े पदाधिकारी भी पहुंचे और सरकार को आड़े हाथों लिया। इनका कहना है कि IMM सरकार के इस निर्णय को कभी स्वीकार नहीं करेगी। दिल्ली मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार डॉक्टर गिरीश त्यागी ने आरोप लगाया है कि सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए स्वास्थ्य सेवा के नाम पर लोगों को गुमराह कर रही है, उनके जीवन से खिलवाड़ कर रही है। अगर उनको ज़्यादा इस यकीन है इस नोटिफिकेशन, जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन का नोटिस है ना, तो सबसे पहले इसको अपने ऊपर मिनिस्टर, अपने ऊपर ब्यूरोक्रेट, अपने ऊपर सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन के जो कर्ता धर्ता हैं, वो इसको इम्प्लीमेंट अपने ऊपर करें। अपना इलाज उन डॉक्टरों से कराएं जिनको वो सर्जरी कराने की परमिशन दे रहे हैं, आयुर्वेद डॉक्टर को। हमारा जो पद्धति आयुर्वेद की चली आ रही है शुरू से देश में, हम चाहते हैं जो उसी पर चलती रहे, ना कि उसको खिचड़ी जैसा बनाया जाए, मिक्सोपैथी की जाए। उनको सर्जरी के लिए 6 महीना सर्जरी सिखा करके आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? सरकार क्या दिखाना चाह रही है? जो 6 महीने हमने उनको सिखा दिया, साइकिल रिपेयरिंग तो हो नहीं रही है या मोटर रिपेयरिंग तो हो नहीं रही है। जो 6 महीने आपने रिपेयर कर दिया मोटर और साइकिल, उसके बाद आप डॉक्टर बन गए जी, ये क्या चलना चाह रही है? सरकार को इस पर सोचना चाहिए। ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि वो होम्योपैथी और आयुर्वेद के खिलाफ नहीं है, लेकिन आधुनिक चिकित्सा पद्धति का विकल्प नहीं हो सकता। बाकी दोनों पद्धतियाँ आधुनिक पद्धति की जांच रिपोर्ट का इस्तेमाल करें, इसमें कोई एतराज नहीं, लेकिन कुछ महीने की ट्रेनिंग लेकर ऑपरेशन करें, ये मंजूर नहीं।
जाहिर है सरकार और डॉक्टर्स की ये तनातनी अभी थमने वाली नहीं है। ऐसे में यदि भूख हड़ताल संपूर्ण हड़ताल में तब्दील हो जाती है तो सरकार के लिए और परेशानी खड़ी हो सकती है। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए कैमरामैन योगेंद्र कुमार और शिवानी मोरवाल के साथ राजेंद्र स्वामी की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर